अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने पर भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़प में 6 भारतीय सैनिक घायल हो गए, जिनका इलाज गुवाहाटी के मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी घायल हुए हैं, लेकिन पीएलए अपने घायल सैनिकों पर मुंह छिपा रहा है। वहीं संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस क्यू को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी सीमा में अतिक्रमण से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा, और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए ने घुसपैठ की पूरी प्लानिंग की थी, बस वो मौके का इंतजार कर रहा था। जिस जगह दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई वहाँ घने जंगल हैं। चीन लंबे वक्त से अपनी तरफ सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था। बीते दिनों इस इलाके में बर्फबारी हुई, ऊपर से घने बादल छाए रहे, इससे भारतीय सैटेलाइट्स को चीनी सैनिकों के बिल्डअप की पहचान करने में चुनौती आई। झड़प के बाद भारतीय सेना ने रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जियोलोकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सैटेलाइट तस्वीर रिकंस्ट्रक्ट की है। फिलहाल इन तस्वीरों का विश्लेषण जारी है। यांगसे में जहां चीनी सैनिकों ने भारत की लाइन पार की है, वह इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। 9 दिसंबर को करीब 400 चीनी सैनिक तवांग के यांगसे में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वे कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना ने भी कटीले लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया, जिसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। इससे पहले 1975 में तवांग में दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। गौरतलब है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है। 3,000 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर स्पष्टता की कमी है। 9-10 दिसंबर 2022 की रात करीब 3 बजे पूर्वी तवांग के यांगसे पॉइंट पर झड़प हुई। यांगसे पॉइंट पर एक नाला है, इसके एक तरफ भारतीय सैनिक तैनात हैं और दूसरी ओर चीन की पीएलए। चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश करेगी, इसके कोई संकेत नहीं मिले थे। 9-10 दिसंबर की रात करीब 400 चीनी सैनिक नाला पार करके भारतीय सीमा में घुस गए। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई।
रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ दिया। चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले साल इस इलाके में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय सैनिकों ने चीन को सबक सिखाया था। गौरतलब है कि भारत सरकार चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बना रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन और चीन के सामने भारत की अस्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित करेगा। यह हाईवे भारत तिब्बत के बीच खींची गई मैकमोहन लाइन से गुजरेगा। इस हाईवे का निर्माण सीमा सड़क संगठन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर करेंगे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के बाद ईस्ट कमेंग, वेस्ट सियांग, देसाली, दोंग और हवाई के बाद म्यांमार तक जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 2.5 सालों से भारत चीन संबंध नाजुक स्थिति में है। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन लगातार इसे छिपाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।